हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने जो चिनाब रिवर उसके हमने डैम्स कंप्लीट कर लिए। आज हम करेंगे झेलम रिवर के जो डैम्स हैं वो आते हैं। पहले ये बताता हूँ, जो झेलम रिवर है जो वो वेरीनाग स्प्रिंग से आती है। वेरीनाग जो वो है नाल है, चश्मा है जिसको हम कहते नाल, बहुत अलग हो गया। चश्मा है जो वेरी नाग चश्मा है, वहाँ से निकली है झेलम रिवर। अब ये जो झेलम रिवर है, मैंने पिछली जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने पढ़ा दिया है। तो आज हम सिर्फ झेलम रिवर करेंगे। तो देखो कौन कौन से डैम है। उड़ी डैम कौन से, एक है, इसमें दो ही डैम्स है, टू डैम्स ओनली, फिर आज एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट है उड़ी डैम, जो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ये पड़ती है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। और ये कंप्लीट कब हुआ था, मतलब कब पूरा हो गया था, पूरा हो गया था, ये होता है 2014 में। और इसकी कैपेसिटी कितनी है, उड़ी फर्स्ट में है 480 मेगावाट और उड़ी सेकंड में है 240 मेगावाट। अब इनको प्लस करके देखते हैं, 480 प्लस 240, देखो जीरो के जीरो आएगा ना, 720 इनकी मेगावाट है, कैपेसिटी के लिए 720 है। फिर आता है कृष्णगंगा डैम, जो कहाँ आता है, बंडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में आता है। जो आता है कहाँ आता है, बंडीपुरा डिस्ट्रिक्ट। और उसकी कैपेसिटी कितनी है, 330 मेगावाट की नहीं आ रही, 330 मेगावाट। और ये शुरू कब, मतलब ओपन कब हुआ था, मतलब कंप्लीट होने के बाद कहते ना ओपन, गाड़ी फर्स्ट गाड़ी वो होता, मतलब कब डैम हुआ था, वो 2018 कब हुआ, 2018 मतलब इसके बाद ही हुआ था। हाँ एक बात बताओ, ये इनॉग्रेट इसको इनॉग्रेट किसने किया है, पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। तो आज यही खत्म करते हैं, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके सारे कंप्लीट हो।